चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो मेरा नाम है कांडांगी। तो आज हम दो फिंगरप्रिंट स्कैनर का मशीन का हम आज कंपैरिजन करें कौन सी काफ़ी अच्छी है। आज मेरे पास दो मशीन है, एक तो ये है, ये कौन सी कंपनी है, मंत्रा की कंपनी की है ये देखिए कुछ इस तरह से है। अमेजोन का लिंक भी मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से इसको भी बाय कर सकते हो। वहीं इसी के साथ मेरे पास दूसरी है जो कि मैंने ये अभी अभी मंगाई है, इससे पहले भी मैं यूज़ कर रहा था पर ये भी नई मंगाई है। मैंने इसकी एक अनबॉक्सिंग की वीडियो भी डाली थी, आपने देख ली होगी। तो ये है मोर्फो की है, ये मोर्फो की थोड़ी महंगी आती है पर जो इसकी क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है, स्कैनर काफ़ी अच्छा है। प्राइस की हम सारी चीज़ बात करते हैं कितने का क्या है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है बिल्ड क्वालिटी, स्कैनिंग का, प्राइस का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए दो हमारे पास है फिंगरप्रिंट स्कैनर वाली मशीन है, डिवाइस है, यहीं आपको दिख रहा होगा ये मंत्रा की है जो कि काफ़ी बड़ी है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इसकी हैवी भी है। और उसी के साथ हमारे पास जो दूसरी है वो है ये मोर्फो की, यहाँ देखिए यहाँ पे इसमें लिखा है मोर्फो, इधर की साइड थोड़ा फोकस करेंगे, ये देखिए इधर जो मैंने इसमें देखा और काफ़ी सारे जो मेरे है फ्रेंड सर्कल में वो भी इसको यूज़ करते हैं तो वो सब बोलते हैं कि भाई ये जो है मोर्फो वाली ये काफ़ी अच्छी है स्कैनिंग में, वहीं ये थोड़ी सी इसमें लो क्वालिटी इसमें स्कैनर लगा हुआ है जो कि इतना अच्छी तरह कर नहीं पाती। हाँ ये बात सही है, इसका जो स्कैनिंग वाला है ये जैसे हम इस पे लगाते हैं वो काफ़ी फास्ट है, वहीं इसका जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता कई बार। एक तो इसका जो है स्कैनिंग वाला काफ़ी नीचे दिया गया है जो कि स्कैन करता है, इसका थोड़ा काफ़ी क्लोज भी है जिसकी वजह से काफ़ी आसानी से और जल्दी स्कैन हो जाता है अगर आप अपना फिंगर लगा रहे हो इसमें, क्योंकि हमारे पास APS का काम आता है, आधार कार्ड से पैसे निकाल लो तो इसमें हमें ज़रूरत पड़ती है। मेरे पास दो है, जल्दी काम हो जाएगा, आप इस वजह से लगाओ पैसे आपके निकल जाते हैं, तो इसका काफ़ी यूज़ होता है इन चीज़ों में और भी काफ़ी आधार कार्ड वालों में भी काफ़ी यूज़ होता है, साथ साथ ही किसी की सिम निकालनी हो उसमें भी काफ़ी यूज़ होता है इसका। और अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस में भी काफ़ी डिफरेंस है इनके, अगर इसके जो प्राइस है वो आपको मिल जाएगी 3400, ऊपर नीचे होती रहती है, कभी ज़्यादा हो जाती है 3000 के अराउंड हो जाते हैं, 3200 या कभी 3500, कभी 3700। इसका मैं लिंक दे दूंगा आपको, अभी जो इसका करंटली प्राइस चल रहा है वो 3400 के अराउंड है, वहीं जो इसमें जो इसका प्राइस आता है काफ़ी कम आता है, इसका जो प्राइस आता है 2700 रुपये के आसपास आती है आपकी अराउंड पड़ती है। अगर इससे हम कंपैरिजन करते हैं तो 700 रुपये ये ज़्यादा है महंगी, वहीं ये 700 रुपये कम ये आपको सस्ती मिल जाएगी इसके कंपैरिजन में। वहीं RD सर्विसेज की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको साथ ही साथ RD सर्विसेज मिलती है, जब मैंने इसको बाय किया था इसके साथ RD सर्विस आई थी और 1 साल के साथ इसमें फ्री आती है, आप इसको बाय कर सकते हो काफ़ी आसानी से ही। एंड वहीं इसमें को आपको कोई RD सर्विस मिलती नहीं है, आपको इसमें बाद में आपको परचेस करनी पड़ती है। इसमें RD सर्विसेज का जो प्राइस है मैं इसका आपको बता देता हूँ, इसका मोर्फो वाली का इसका जो RD सर्विस का जो प्राइस है 1 साल का आप इसमें लेते हो तो 375 पड़ता है, वहीं 2 साल का लोगे तो 200 रुपये और एक्स्ट्रा पड़ जाएंगे, 525 रुपये का, नहीं सॉरी 575 रुपये का, फिर वहीं 3 साल का और लेते हो तो 200 रुपये और एक्स्ट्रा बनते हैं, 575 हो जाते हैं 3 साल के आप अगर इसमें सर्विस लेते हो तो। इसका मेरे को अभी इतना आइडिया नहीं है कि कितना इसका जो चार्ज है, क्योंकि जिससे मैंने मंगाई थी उसमें इसकी 1 साल की वो कह रहा था फ्री मिलेगी इसमें, पर उसके बाद अभी मैंने उसको 1 साल हुआ नहीं है यूज़ किए हुए, पर इसका ये आपको नेट पे भी मिल जाता है इसमें कितनी आपको मिलेगी RD सर्विसेज, कितना प्राइस है इसका आपको देखना पड़ेगा कितनी है, इसका मेरे को आइडिया नहीं है पर इसका मैं आपको बता रहा हूँ। पर आपको इसको दोनों में आपको ये चाहिए तो आप ये बिल बाय कर सकते हो, इसका और इसका मैं दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको बाय कर सकते हो और आपको डायरेक्ट आप वहाँ से इसको ख़रीद सकोगे अमेज़ोन से ही। तो मशीन दोनों काफ़ी अच्छी है, दोनों आपके काम आ जाएगी आसानी से ही, साथ ही साथ में आपको इसमें काफ़ी सारे इससे पैसे अर्न कर सकते हो, जो कि अगर आपका कोई साइबर कैफ़े है वहाँ पे आप आधार कार्ड से पैसे निकाल सकते हो APS के थ्रू, और भी बहुत सारे काम आते हैं जो कि आपको धीरे धीरे पता भी चल जाएंगे क्या इनका यूज़ होता है। तो ये था इसका सारा प्रोसेस, ये थे इनके दोनों की कंपैरिजन। अगर आप लेना चाहते हो तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा आप ये लो, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा अमेज़ोन में ही। अगर आपका बजट कम है तो आप ये भी ले सकते हो, ये वाली ये मंत्रा की भी आप बाय कर सकते हो, काफ़ी सॉलिड है, बड़ी भी है।
तो इसका मैंने यूज़ भी करा है एक बार, तो इसका पता नहीं क्या हो गया था, एक बार ख़राब हो गई इसकी जो है सीरियल नंबर वो करप्ट हो गया, जिससे की वजह से अब मेरे को ये वापस भेजनी भी पड़ेगी। पर कोई नहीं, हो सकता मेरे साथ ही हो, किसी के साथ ना हुआ हो, तो आप दोनों में से कोई भी बाय कर सकते हो। तो आपने देखा दोनों मशीनें हमने अभी यहाँ कंपैरिजन करी है, एक तो हमारे पास ये मंत्रा की होगी, दूसरी मोर्फो की होगी, दोनों ही है। तो मैंने इनका दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है वीडियो के नीचे ही, तो आप वहाँ से इनको दोनों को आप देख भी सकते हो, इनके बारे में डिटेल जान सकते हो, सारी आरडी सर्विसेज के बारे में मैं बता दिया, सारी चीज़ बता दी जो कि मैंने इसमें अभी तक देखी है। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, कमेंट में बताना आपकी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको और कोई क्वेश्चन है इसका रिगार्डिंग फिंगरप्रिंट के रिगार्डिंग, तो आप वो भी कमेंट में पूछ सकते हो। पर जो ये दो मशीन है यही बेस्ट है, अगर आप और कोई कंपनी के लेते हो उनका मैं बता नहीं सकता कैसी है, पर यही सबसे ज़्यादा बिकती है, सबसे ज़्यादा यूज़ में यही आती है, तो आप ज़रूर इनमें ही जाए फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद आप दूसरे पे जाएँ क्योंकि यही काफ़ी अच्छी है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।